बिहार पुलिस की एक विशेष टीम काम कर रही है जो बिहार में संचालित मिनी गन फैक्ट्री और अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करती है। कुल 23 मिनी गन फैक्ट्री उद्भेदित की गई, उसमें 46 रेगुलर आर्म्स, 2340 अवैध हथियार और 17381 कारतूसों की कुल बरामदगी की गई है 6 महीने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार पुलिस के स्पेशल टीम के द्वारा 6 महीने के अंदर कुल 23 मिनी गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया गया है, जिसमें 2000 से ऊपर अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ 17000 से ज़्यादा कारतूस भी बरामद किया गया है। देखिए, तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए जो पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार, वो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप इस वीडियो में देखिए। बिहार पुलिस की एक विशेष टीम काम कर रही है जो बिहार में संचालित मिनी गन फैक्ट्री और अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करती है। आपको मैं बता दूं कि 2023 के प्रथम 6 महीनों में कुल 23 मिनी गन फैक्ट्री उद्भेदित की गई, उसमें 46 रेगुलर आर्म्स, 2340 अवैध हथियार और 17381 कारतूसों की कुल बरामदगी की गई है 6 महीने। अगर हम देखें कि आंकड़ा पिछले सालों कितनी मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन होता था, तो पूरे साल में 2022 में 32 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, जबकि इस साल 6 महीने में ही 23 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दिया। 2021 में ये संख्या अच्छी थी और कुल 61 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इसी प्रकार से अवैध हथियारों की बरामदगी अगर हम देखें तो 2021 में 3951 हथियार, 2022 में 4288 हथियार और जून 2023 यानी आधे साल में 2340 हथियार बरामद किए गए, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक है। मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन भी हुआ। तो अभी आपने देखा जो पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार, उन्होंने बताया कि 6 महीने के अंदर कुल बिहार पुलिस के स्पेशल टीम के द्वारा कुल 23 मिनी गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया गया है, जिस मिनी गन फैक्ट्रियों में 2000 से अधिक अवैध हथियार तस्कर होते हैं, अवैध हथियार होते हैं, उन तमाम चीज़ों को भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ 17000 से अधिक जो जिंदा कारतूस होते हैं, कारतूस को भी बरामद किया गया है। और वहीं उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो अवैध हथियार होते हैं मिनी गन फैक्ट्रियों के द्वारा इधर से उधर उसको इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में कुल 6 महीने के अंदर कुल 23 मिनी गन फैक्ट्रियों का बिहार पुलिस के स्पेशल टीम के द्वारा खुलासा किया गया और साथ ही साथ उसमें 2000 से अधिक अवैध हथियार और 17000 से भी ज़्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और भी क्या कुछ कहना था जितेंद्र सिंह गंगवार का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।